गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। अभी बज रहे हैं 7 और आज मुझे अपने पहले ब्लॉग के लिए जाना है। एंड वी हैव टू गो टू, कहाँ जाना है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट 7 बज रहे हैं, 7 सुबह के 7। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। वेरी ड्रॉक, पूरे तैयार हो गए हैं, निकल रही हैं। और बेस्ट बात यह है कि पहली बार मेरे फादर, मेरे पापा मेरे संग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत बेस्ट बात है। पापा हाय बोल दो। हाय गाइस। ये अभी हमने जस्ट प्रिपेयर करा था, मैंने इनको बोला था ऐसे हाय गाइस बोल लेंगे, वो यूजली ऐसे कभी हाय नहीं बोलते, बट अभी बोल रहे हैं। तो अभी हम आनंद विहार की तरफ निकल के वहाँ से बस लेने वाले हैं। तो आनंद विहार तो पहुँच गए, अब बस की तलाश है। बस मिलते ही बस में बैठ जाएंगे। और सबसे बेस्ट बात है कि मास्क पहन के पता ही नहीं चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ कि कैसी है। वाओ भाई, बस स्टॉप तो पहुँच गए। यहाँ पे 10,35,00,000 बसें हैं, मुझे लगता है हमारे पास बहुत बसें हैं। हमारे पास अंधी 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 बेहिसाब। अभी मुझे पता भी नहीं है कि मुझे कौन सी बस में जाना है, मैं बस का ही ढूंढ रहा हूँ। और अभी मुझे किसी ने बोला कि 135 नंबर पर रामनगर का है, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। किसी की गाय छूट गई इधर। गाय हाय गाय, ऑटो तो ये जा रहा है। हाँ तो सीन कुछ ऐसा है भाई, हम लोग हमने बस तो पकड़ ली थी टाइमली, बट हमने काफ़ी ख़तरनाक बस ले ली और उसने हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दी। मैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ। मास्क की हालत से पता चल रहा है भाई, इतना धूल डस्ट लगे तो नाक में मेरे पूरा पहाड़ आ चुका है, पूरा जंगल मेरे नाक में है। फाइनली भाई रूम मिल गया है और बहुत ही सही रिसोर्ट है ब्रो, बहुत ही सही। इट्स लाइक वी हैव दी पूल एरिया, यहाँ पे फुल पावर म्यूजिक बज रहा है। अभी म्यूजिक मैंने बंद कराया क्योंकि मुझे बोलना था, बट अभी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा वापस से। दैट्स गोइंग टू बी माय रूम। सीन तो कुछ ऐसे ही है, एंड मेरे रूम से दिखता है मैं रात को यहीं से कूदने वाला हूँ। डिटेल देखो चांद। ठंड यहाँ पे अच्छी खासी है, लाइक जैकेट पहन लिया मैंने, पहले जैकेट नहीं पहना था, जैकेट पहनना पड़ा क्योंकि ठंड है काफ़ी, ठीक ठाक ठंड है। बट हाँ, इट्स लाइक वेरी पीसफुल, लाइक वेरी डार्क स्काई, अच्छा है, कूल। चलो मैं खाना ना खाता हूँ फिर कल सुबह दिखाऊँगा मे बी मैं इस जगह को, क्योंकि अभी रात में तो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, बट द प्लेस इज़ लाइक रियली अमेजिंग। गुड मॉर्निंग, मैं जस्ट अभी उठा हूँ और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही काम मॉर्निंग है यहाँ पे। पीछे मेरे पूरे पहाड़ हैं और यहाँ एक बहुत प्यारा सा सनराइज हो रहा है। द मॉर्निंग इज़ लाइक रियली नाइस यहाँ पे, मतलब यू नो मैं जस्ट अभी उठा हूँ, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक थोड़ा यू नो एनर्जेटिक, इतना एनर्जेटिक दैट आई एम थिंकिंग टू जंप इन दिस पूल। लाइक करोगे तो कूद जाऊंगा नहीं ब्रो, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं कूदने वाला बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं जस्ट अभी उठाऊँ और अभी तो बहुत मुश्किल है, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ठंड में बाहर आना ही इतना मुश्किल है ब्रो, लाइक कूदना तो बहुत दूर की बात है। बट द व्यू इज़ रियली नाइस, स्काई इज़ रियली ब्लू और बहुत ही शांत और साफ सुथरा सा मौसम है। और हाँ ठंडा था रात में, बट हाँ सोने में बहुत मज़ा आया। बस अभी एक सनराइज़ हो रहा था, मैंने सोचा एक सनराइज़ आप लोगों को दिखा दें, गुड मॉर्निंग करवा दें। सो बस सनराइज़ देखते हैं और एक गुड मॉर्निंग करते हैं, बिकॉज इट्स अ सनी स्काई यू नो। सो बस यार गुड मॉर्निंग करो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे भी थोड़ी देर में, क्योंकि जस्ट अभी मैं उठाऊँ थोड़ा नहा लूँ थोड़ा कुछ खा लूँ और फिर निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, फिर वहाँ पे मिलते हैं। पूरी तरीके से तैयार, मेरा रूम पूरा मेस्ड अप है जैसे हमेशा की तरह होना चाहिए, सारी चीज़ें फैली हुई है। बट मैं बाल धोने का प्लान था, बट बाल मैंने धोए नहीं क्योंकि सूखने में टाइम लगता और ये बहुत, मतलब अब मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि लड़कियों के बड़े बाल होते हैं यार, कितना मैनेज करना मुश्किल गेम है ब्रो।
धोना है, कब धोना है, कैसे धोना है, बहुत हेक्टिक चीज़ें हैं। सारी चीज़ें छोड़ दो, रूम पूरा मेस्ड अप है। पहले मुझे रूम को फटाफट सही करना पड़ेगा, मैं रूम को सही करता हूँ, फिर फटाफट नीचे आके थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ मैं रुका था। गुड मॉर्निंग, मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश तैयार, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी का तुम्हें थोड़ा सा टूर का आईना दे दूँगा। सो यस, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डी रिसोर्ट। सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड शो यू अराउंड। जो चैनल पे नए हो उन वो लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसा कॉन्टेंट हम बनाने वाले हैं। मेरे पापा चिल करते पापा चिल कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड दिस प्रॉपर्टी इज़ लाइक रियली नाइस, मतलब नहीं द वाइब इज़ रियली नाइस। मैंने रात में देखा था, रात में भी बहुत कूल था, द वाइब वॉज रियली गुड। सो अभी मैं दिखाता हूँ, व्यूज लाइक अमेजिंग, द मॉर्निंग वॉज रियली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया ब्रो। वाओ, यहाँ पे ये वाले प्लांट्स कितने अमेजिंग है। ओह लुक एट दिस पर्पलिश कलर इज वेरी नाइस ऑन दिस। यह रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल शो यू अराउंड। सो ये वाले जो है ये बेलाज है सारे, दैट्स अ बॉनफायर एरिया। ये शैक टाइप है, तो यहाँ पे बैठना चाहो तो चिल विल करो, लंच वंच डिनर वनर। और रेस्ट ऑफ द थिंग इज द सेम, लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज फोर, ऐसे चार यहाँ पे ऐसे वेला टाइप से। एज इफ लाइक मैं अपने फादर के संग पहली बार ट्रिप पे आया हूँ, तो ये हमारा पहला ऐसा वीकेंड काइंड ऑफ ट्रिप है। सो वी आर नॉट जस्ट लाइक यू नो पार्टी काइंड ऑफ, लाइक यू नो वी जस्ट सिंपली लाइक इन्जॉइंग चिलिंग डूइंग लाइक लिटरली डूइंग नथिंग, जस्ट ईटिंग एंड दैट्स इट, एंड जस्ट यू नो सोकिंग द सन, बिकॉज यहाँ पे धूप बहुत ही सही लग रही है। एंड एवरीथिंग वाज लाइक रियली नाइस, बहुत ही खूबसूरत सुबह है, आसमान नीला नीला, बादल धुआं धुआं, मेरा पिछवाड़ा गीला गीला, क्योंकि मैं भी जस्ट ओस में बैठ गया था उधर इस झूले पर। सो या किल इट। सो या अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे, बस ब्रेकफास्ट खा के फिर हम निकलेंगे जिम कॉर्बेट की तरफ, और देखते हैं कि कुछ कोई एनिमल हम इस बार स्पॉट कुछ कर पाते हैं या फिर वी हैव टू गो एम्प्टी हैंडेड। तो देखते हैं, लाइक यू नो आई होप कोई दिख जाए, कोई शेर, कोई यू नो लाइक सम वाइल्ड कैट्स, यू नो आई लव कैट्स। सो वही यार, यही होप करते हैं। आगे का बात आगे करते हैं, चलिए अभी चल पड़ते हैं रूम की ओर। बहुत ही सुंदर धूप मेरे पीछे। ये शैक देखो कितना सुंदर है, बट मेरे जूते बिल्कुल गीले हो गए यार उसमें, ये बहुत केल हो गया। हाँ बट हाँ एक चीज़ और, कि एक जैकेट पुलओवर काइंड ऑफ रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ यू नो यहाँ पे रात में और अर्ली मॉर्निंग्स में काफ़ी अच्छी खासी ठंड रहती है, तो यू विल नॉट एबल टू बेयर इट फॉर श्योर। या हाँ जी, तो फिर सीन ऐसा है कि मास्क बदल लिया, चश्मे लग गए हैं धूप की वजह से, और सीन कुछ ऐसा है कि भाई थोड़ा सा कट गया क्योंकि जिस गेट पे हम गए वहाँ उस गेट पे बोले कि भाई बुकिंग के बिना तो एंट्री नहीं हो पाएगी जिम कॉर्बेट में, और ऑनेस्टली दूसरे गेट्स वगैरह इतने दूर दूर है कि यार वहाँ आने जाने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मतलब मैं दो गेट्स पे चला गया। तो सीन है ब्रो, अभी हम जिम कॉर्बेट नहीं जा रहे, अभी वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। जो काम था वो हमारा हो गया, सबसे बेस्ट बात ये है कि हमारा काम ख़त्म हो गया। भाई ये खड़ी है जिम कॉर्बेट की सारी गाड़ियाँ, जीप सीज, बट हम जिम कॉर्बेट तो नहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि सारे गेट हैं बंद, सब जगह प्री बुकिंग चाहिए। तो पापा काफ़ी सैड हो गए हैं। इट वॉज लाइक अ गुड डे आउट, मतलब काफ़ी सही था एक दिन, हम एटलीस्ट वीकेंड वगैरह में घूमे थे, हमने अच्छा दिन स्पेंड करा, पापा के संग ट्रिप भी हो गया, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए, और क्या मिलेगा। बस पापा दुखी है क्योंकि वो शेर नहीं देख पाए, तो शेर अभी हम यहाँ से नकली वाला एक स्टफ टॉय ले लेंगे पापा के लिए, तो पापा खुश, मैं भी खुश। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो का कोई एम नहीं है, कर दो फ्री फंड का है सब कुछ, उनका कोई एम नहीं है, उनका कोई गेम नहीं है। सुनिए, देखिए पापा भी प्रवचन दे रहे हैं। ट्रिप बहुत सही रहा, मज़ा बहुत आया, बट अभी ट्रिप एंड करना पड़ेगा और मैं दिल्ली के लिए बस पकड़ रहा हूँ, और मैं जल्दी कहीं और भी जाने वाला हूँ। होपफुली इस बार पापा के संग ही जाऊँगा, इस बार मैं अकेले कहीं जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जो भी सीन रहेगा आगे का अपडेट मिलता रहेगा फटाफट। तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो एवरीथिंग एवरीवेयर। तो अब हम आ गए बस स्टॉप पे वापस से,
एंड वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली बिकॉज मेन एम था कि पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, वो हमने कर लिया है। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं दिल्ली वापस।